सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये स्ट्राइक चल रही है, इसकी निरगा में टीए और जो जीआरएस है उनकी पूरी स्टेट में। तो इन्होंने आज जो है ब्लॉक पूंछ का एक मेमोरेंडम मुझे भी दिया है, इसको भी मैं ऊपर पहुंचाने की कोशिश करूंगा गवर्नर साहब से। तो मैं सबसे पहले गवर्नर इंतज़ामिया से उनको ये इन्फॉर्म करता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो दिल्ली में बैठ के बोलते हैं कि हम पंचायतों को मजबूत कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे हम डेवलपमेंट करेंगे, तो ये भी जो मुलाजम थे एक डेवलपमेंट का हिस्सा थे, जो आज 5-6 दिन से पूरे काम काज पूरे ऑफिस वगैरह ठप पड़े हुए हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे जो काम करने की बातें हैं वो ऐसे ही एक किस्म का जो मीडिया में बयान देना है, लोगों को गुमराह करना है। तो जहाँ तक ये मुलाजम थे जो पंचायत में लोगों के जाते थे, मसले मसाइल होते थे रोज़ के, वो हल हो जाते थे उधर बैठ के, आज 5-6 दिन से पूरा जो सिस्टम ही ठप पड़ गया हुआ है पंचायतों का, वो J&K स्टेट लेवल पे देखो, ब्लॉक लेवल पे देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी एहजाज कर रहे हैं बैठे हैं। अब इनका क्या कसूर, अभी जैसे चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि इनको जो हम इनका ऐसे ही लगे हुए हैं इनको आर्जी तौर पे, तो अगर आर्जी तौर पे लगे हैं इतने साल काम किए तो आज क्या इनको मतलब परेशानी आ गई कि इनके अब जो नई पॉलिसी निकाल रहे हैं, कल शाम ही को इन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली है। तो अब सबसे पहले तो मैं जो गवर्नर इंतज़ामिया उनसे बोलता हूँ कि इनको जल्दी तौर पे इनका रेगुलराइजेशन इनकी की जाए, ताकि हम अपने ब्लॉक लेवल पे जो काम हमारे रूटीन में चल रहे थे वो हम उन कामों को जो फिर एक बार फिर पटरी पे आ सकें। ऐसे बयान देने से, बड़े बड़े वादे करने से ऐसे कुछ नहीं होता जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, उनको बोलता हूँ जो आप बार हर हर मीडिया में बयान देते हो कि पंचायतों को मजबूत करेंगे, हम पंचायत जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के काम करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब वो टोटली उल्टा उसका सिस्टम शुरू हो गया हुआ है। अब इन्होंने मुलाजमों को पढ़ा है, कल कहीं दूसरे ऐसे ऐसे मसले उठेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी आप स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसा नोटिस इशू करें जिससे जो हमारे ये मुलाजम हैं जो दोबारा काम पे जो है ये आ सकें पंचायतों में। शुक्रिया। हमारे जो BDC चेयरमैन ब्लॉक पुंछ जनाब जमील कोहली साहब को हमारी एसोसिएशन जो है उसके बिहाफ पे मेमोरेंडम जो है हमने उनको प्रेजेंट किया है, इस उम्मीद के साथ कि इस वक्त जो हमारी जो सरकार है और ख़ासकर जो हमारी गवर्नर इंतज़ामिया है वो ये अक्सर बयान जारी करते हैं फ्रॉम UT ऑफ J&K टू सेंटर के हम पंचायतों को एम्पावर कर रहे हैं। जैसे कि BDC साहब ने कहा कि पंचायतों को एम्पावर करने का मतलब ये भी है कि जो पंचायत मुलाजिम हैं उनको भी जो है उनके जो मसाइल हैं उनको सुना जाए और उनके मसाइल को फौरी हल किया जाए। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जो ये स्ट्राइक पेंड ऑन स्ट्राइक है जिसका आज 5वां रोज़ है, इस सिलसिले में हमारे जो नए गवर्नर साहब हैं, मैंने कल भी कहा था कि वो इंटरवीन करेंगे और हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, और मैंने कल भी ये चीज़ कही थी कि जब खासकर जो मुलाजिम तबका था वो दफ़ा 370 की वजह से अक्सर जो है मुतासर रहता था, क्योंकि हमारी उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी या जो हमारी लीडरशिप थी वो अक्सर ये बयान देकर इस मसले को ठंडे बस्ते में डाल देते थे कि यहाँ 370 है इसलिए हमारे पास जो फंड्स हैं उनकी कमी है और हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि हम लोग आपको रेगुलराइज कर सकें। अब तो हमें इस बात की खुशी थी कि अब हम तो एट पार सेंटर के साथ हो गए हैं, सेंटर की बहुत सारी स्कीमें जो बराह रास्त यहाँ लागू होती हैं, और हमारी ये उम्मीद जागी थी दिल में कि अब जो वो 370 एक बैरियर था वो हटने से हमारा जो मुस्तकबिल है वो कहीं तारीखी में ना खो जाए, वो रोशन होगा। लेकिन अभी भी मुझे इस बात का खेद है, अफसोस है कि हमारा वो मसला जूं का तूं पड़ा हुआ है, इसलिए मैं एक बार फिर से मेरी गुजारिश है हमारे ऑनरेबल LG साहब से, हमारी वर्दी CS मैडम से, हमारे एडवाइज़र बशीर खान साहब से कि हमारा जो देराना मांग है हमारी इसको फौरी हल किया जाए और हमारा जो फ्यूचर स्टेक पे है इसको प्रोटेक्ट किया जाए और हमारा जो फ्यूचर हमारा और साथ साथ में हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।